कॉल की। अच्छा ईशा, जब पहली बार देखा लिस्ट में अपना नाम देखा और लिस्ट सामने होगी तो वो क्या कैफियत थी? मतलब कि जो बचपन से सोचती आ रही थी कि बड़े होकर ये बने और फाइनली वो दिन आ गया कि आप बन रही हैं, तो वो क्या कैफियत थी? हमारे इस तरह से हुआ था कि एक दिन हमारा फाइनल रिजल्ट आया, मेरिट बना और नेक्स्ट डे जो है एलोकेशंस हुई। अच्छा। अब वो जो पहला दिन था और वो मैसेज एक आया कि जी आपका रिजल्ट आ गया है। अच्छा। और वो रिजल्ट जब जाके वेबसाइट ऑन की और वो सारा कुछ देखा, उस वक्त जो है ना वो ऑन नहीं हो रही जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोड है इस वजह से जो है ना। और आपको वो शायद अंदाजा हो कि जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट काम पर होते हैं, तो वो चीज़ में थोड़ा कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। अब जी वो नेट का मसला हो गया, वो नहीं चल रहा, अब मेरे तो बिल्कुल सांस बन रही है, ये सारा क्या है, अब अल्लाह करे। और मैं घर वालों को नहीं बता रही, मुझे ये था मैं पहले खुद देख लूँ। उसमें है जब वो फाइनली लिस्ट आ गई तो मैं 45 नंबर पर थी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने जो ना उसको टॉप से लास्ट से देखना, लास्ट से देखना स्टार्ट किया, लास्ट बंदे ही करता है, वो गुजरता गया तो नंबर नहीं आया। मैं बड़ी परेशान और फिर कहा कि ये क्या, इतनी मेहनत की तो फिर वो उस वक्त लम्हे वो सारा माइंड में आ रहा, अच्छा अब रोटियां पकानी पड़ेंगी, खाना शादी हो जाएगी, ससुराल की किस्मत होगी, सारी चीज़ें जो है माइंड में आनी स्टार्ट हो गई। लेकिन 45 पे आके तो मैं तो खुशी से आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गई। उसके बाद अब एक नई टेंशन कि जब ग्रुप कौन सा मिलेगा। अच्छा, तब आपको ग्रुप का नहीं पता चला। अच्छा, नेक्स्ट डे था तो नेक्स्ट डे जब ग्रुप देखा उस वक्त तो मैंने एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार मैंने देखा ये मेरा ही नाम है ना, कंफर्म किया। वो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, यकीन दो बातों से नहीं आ रहा था, एक तो ये कि अच्छा मुझे जो है वाकई मैं जो है इस वक्त कोई ऑफिसर बन गई हूँ, और दूसरा इस बात पे कि मैं अकेली पीएसपी में आई हूँ, कोई और लड़की भी नहीं है। अच्छा, अच्छा मतलब आप अपने बैच में अकेली लड़की थी। अच्छा, तो 27 का मैंने कोई उस वो ग्रुप भी मैंने कोई 10 बार नाम पढ़े कि कोई और भी हो सकता है, नहीं जी मेरा। उसके बाद फिर मैंने अपने वालिद को कॉल की, वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे मगरिब की, बड़ा खुश हुए, घर आ गए तो भाई उस वक्त पुलिस स्टेशन में थे, उनको मैंने कॉल की कि घर पहुँचे, तो वो कहते हैं कि अभी मैं बिज़ी हूँ नहीं आ सकता। अच्छा, तो फिर मैंने उनको ये बात की कि अच्छा आप अपनी एएसपी को जवाब देंगे कि घर नहीं आ सकता, तो कहते हैं फ़ोन बंद करो तुम, अभी फोन बंद करो, मैं अभी पहुँचा। तो वो मुझे अंदाज़ा है कि मेरा भाई उस वक्त पुलिस स्टेशन से किस स्पीड के साथ घर आए होंगे।